नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरंभ ग्रीक क्लास पर आपका सभी का वेलकम है। और आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही शानदार टॉपिक, जो कि कृषि पर्यवेक्षक की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। चलते हैं, शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की ओर। आपको स्क्रीन पे अच्छा नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है, और लगातार कृषि पर्यवेक्षक जेट, मतलब अभी हाल ही में जो भी एग्जाम हो रखे हैं कृषि पर्यवेक्षक से संबंधित या एग्रीकल्चर से संबंधित, उनमें अक्सर देखा जाता है कि पशु प्रबंधन की जानकारी अपने को होनी चाहिए, उसमें से क्वेश्चन पूछने के चांस रहते हैं। तो क्यों ना अपन इस अध्याय की संपूर्ण जानकारी लें, और 11th में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए तो ये महत्वपूर्ण है कि आने वाले भविष्य में आप जेट की तैयारी, ICAR की तैयारी या फिर कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी तब भी करोगे, तब आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होगा। तो बिना किसी देरी के अपन चलते हैं और अपना काम क्या है पढ़ने का स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कृषि पर्यवेक्षक के फॉर्म आपने अगर अभी तक नहीं डाले हैं तो आप डाल दीजिए, जिनके 18 साल उम्र हो गई है। तो मैंने कुछ पेपर्स में देखा है, उसमें सबसे ज़्यादा पूछ रखा है पशुओं में इस सामान्य प्रबंधन का, मतलब उसमें अगर कोई पशु बीमार हो जाता है तो उसके लिए कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है, रोग या फिर उसमें कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है, संकलन की मात्रा क्या होती है, पशु की बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाती है, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हैं, लेकिन यहीं से क्वेश्चन आ रखे हैं। और ये आपके जिस लेवल का बात कर रहे हैं ना, वो मतलब एक अच्छा टॉपिक है सुपरवाइजर की दृष्टि से। तो भारत कृषि प्रधान देश है, और यहाँ लगभग 60% कार्य पशु द्वारा किया जाता है। ये डेटा बहुत चेंज हो गया है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वर्तमान में मशीनीकरण का उपयोग हो रहा है, तो ये रोज़ दिनों दिन मतलब कम हो रहा है, तो इस पे अपन बात नहीं करेंगे। सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ मिल्किंग, यानी कि दूध निकालने की। आपको सबको पता है कि अपने अधिकतर गाँवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में दूध निकालने की जो सामान्य विधि है, हाथों के द्वारा ही अपन दूध निकालते हैं। और आपने आसपास में देखे हैं जो सिटी से बिलोंग करते हैं, वहाँ आसपास में गौशाला किसी ने देखी हो, जो BSc ऑनर्स के विद्यार्थी हैं उन्होंने कहीं अगर गौशालाओं का विजिट किया होगा तो वहाँ पर मशीनें देखने को मिलती हैं, जहाँ मशीनों से भी दूध निकाला जाता है। बाकी अपन सारी बात करेंगे इस पर, मशीनों से धोने से क्या नुकसान होते हैं, हाथ से धोने से क्या नुकसान होते हैं। तो दूध धोने की विधियां पे अपन बात करते हैं। पशु के अयन का मतलब होता है थन में दूध का बनना, एक निरंतर प्रक्रिया है। निरंतर प्रक्रिया तब है तब पशु ब्याहने के बाद, पहले भी होता है लेकिन वो एक लिमिट प्रक्रिया में रहता है, ताकि उसका अंदर का जो बच्चा है उसको कुछ मिलता रहे। दूध एकत्रित करने वाले सभी अंगों भागों में दूध भरने के बाद वह क्रिया बहुत धीरे पड़ जाती है, यानी कि स्टोरेज क्षमता उसकी, जैसे आपकी बैटरी चार्ज हो जाने के बाद वो चार्ज नहीं लेता मोबाइल, उसी तरह है यहाँ पे थन होते हैं और इनमें मिल्क होता है, अतः आयन को खाली करना आवश्यक हो जाता है। आप अगर मोबाइल का उपयोग नहीं करोगे तो बैटरी मतलब वैसे रहेगी लेकिन वो भरी रहेगी। तो यही है कि अगर कहीं चीज इकट्ठी है और उसको निकालना आवश्यक है तो निकालना चाहिए। गाय के 4 थन होते हैं, ये आपने सबने पढ़े हैं, तो इनको यहाँ से कुछ नहीं पूछने वाला, यहाँ से भी कुछ नहीं पूछने वाला, यहाँ से अगर पूछ सकता है तो दुग्ध सिराएं, थन के भीतर थन सिस्टर, इन्हें दुग्ध सिराएं बोल सकते हैं। ग्रंथियां सिस्टर्स ग्लैंड में खुलता है। ग्रंथि स्टर गोल या अंडाकार अथवा अनियमित आकार के रिक्त स्थान होते हैं। एक ग्रंथि स्टर में 500 से 600 ग्राम दूध एकत्रित हो जाता है, यानी कि जो एक थन है
इसमें कितना मिल्क समाहित हो सकता है? 500 से 600 ग्राम दूध इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूध दोहने की विधि पर अपन बात करेंगे तो दो प्रकार की है, मशीन द्वारा किस तरह दोया जाता है। उदाहरण आप देख रहे हैं चित्र में, ये ऐसे मशीन होती है एक, उसको थनों में लगा दिया जाता है और स्टार्ट कर दिया जाता है। इसमें एयर होती है, वो एयर इस तरह जैसे अपन बीड़ी का सुट्टा खींचते हैं उस तरह वो दूध को खींचती है और स्टोरेज कर लेती है। तो ये है वो मशीन आपको दिखाई दे रही है। और हाथों द्वारा मशीन ज़्यादातर पश्चिमी देशों में दोहन का कार्य मशीनों द्वारा, पश्चिमी की जो एक सुविकसित देश है वहाँ पर जैसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड, कनाडा, वहाँ पे लेबर बहुत कॉस्टली होती है, तो वो लोग क्या करते हैं उनके फार्म्स पर मशीन्स, क्योंकि वो ऐसा तो नहीं कि एक बच्चे एक जानवर के लिए मशीन रखे, वो जहाँ पे ज़्यादा जानवर होते हैं तो वहाँ पर मशीनों का उपयोग किया जाता है। केवल राजकीय फार्म, बड़े व्यवसाय डेयरी फार्म भारत में कहाँ सीमित है? राजकीय फार्म या तो कोई जैसे गौशाला हो गया बड़ा, या फिर कोई डेयरी है वहाँ पे 100-200 जानवर है, उनसे दूध निकालना, तो वहाँ पर अपन संकर गायों की संख्या बढ़ने के साथ ही मशीन द्वारा दूध निकालने को प्रोत्साहन करना होगा। इनकी जो आजकल होल्स्टीन फ्रिजियन है, जर्सी है, तो इन गायों की क्षमता दूध देने में अधिक होती है, तो उन्हें जब अपन हाथों से निकालते हैं तो हाथ दर्द करने लग जाते हैं, इतनी लेबर नहीं मिलती है, तो वहाँ पर मशीन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हो गई आपकी मशीन वाली विधि। अब इसका बेनिफिट क्या है मशीन, अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है मशीन से दूध निकालने के लाभ क्या क्या है। पहला स्टेटमेंट दे देगा, स्वच्छ दूध उत्पादन में सहायता मिलती है, राइट, क्योंकि यहाँ पे अगर अपन हाथ से दूध निकालेंगे तो सपोज अगर लेबर है उसके हाथ स्वच्छ नहीं है या किसी बीमारी से ग्रस्त है, उसमें जीवाणु जो क्लाइमेट के संपर्क में आने से उसमें माइक्रोब्स या जो एयर वायु में जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो दूध में मिक्स हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा उनको यहाँ पे वो चीज़ नहीं होती। दूसरा, श्रमिकों की आवश्यकता कम पड़ती है, यानी कि लेबर की आवश्यकता इसमें कम पड़ती है। दूसरा स्टेटमेंट पूछते हैं कि इसमें धन की बचत होती है, डायरेक्ट तो ऐसा तो नहीं लेकिन श्रमिकों की आवश्यकता कम पड़ती है। पशुओं की संख्या अधिक पर दूध शीघ्रता से निकाला जा सकता है, टाइमली निकाला जाता है, दूध देने वाले पशुओं में इस विधि के दूध दोहन में सुविधा होती है। दोष, मुख्य डिसवांटेज, यानी कि मशीन से दूध निकालने का दोष या कमी क्या है? इस विधि का मुख्य दोष, यदि पूर्ण दूध निकालने के बाद मशीन समय पर बंद नहीं हो तो खून भी निकल सकता है। ये देखो, यानी कि जो वो ऑपरेटर होता है दूध निकालने वाला, उसको ये पता होना चाहिए कि इस गाय से इतना दूध निकलेगा 2 लीटर, तो 2 मिनट चाहिए या 3 मिनट चाहिए, तो वो एग्जैक्ट टाइम तक उस मशीन को ऑपरेट करना चाहिए, बाकी बंद कर देना चाहिए, नहीं तो उससे क्या हो सकता है, दूध में खून आने की संभावनाएँ हैं बहुत ज़्यादा हो सकती है। ये है इसका डिसवांटेज, इसको अंडरलाइन कर लेना आप, कि दूध से अगर आप मशीन को समय पर बंद नहीं करेंगे तो क्या जानवर को दिक्कत हो सकती है, तो ये जानवर को दिक्कत हो सकती है, इनकी उसका ब्लड खून में आ सकता है। चलें आगे, ये हो गया। नेक्स्ट आता है अपना हाथ से दोहन, मतलब मनुष्य अपने हाथों से विश्वविद्य अंगूठा, थन का अंगूठा और प्रथम अंगुली, ये लाइन बहुत कंफ्यूज करेगी, थन का अंगूठा और प्रथम अंगुली के मध्य, यानी कि प्रथम अंगुली के मध्य मजबूती से पकड़ा जाता है, अंगूठा और प्रथम अंगुली, यानी कि अपनी जो फर्स्ट अंगुली, ऐसे देख लो अंगूठे को बीच में, अंगुलियों के बीच में दबाया जाता है, उनके बीच में थन को दबाकर हाथ को खिसकाते हुए दूध धीरे धीरे निकालते हैं। इस क्रिया को शीघ्र से तब तक दोहते हैं जब तक थन का पूर्ण दूध ना निकल जावे। इस विधि का उपयोग छोटे थन वाली गायों, भेड़ों का दूध निकालने में समय तो अंत में जब थनों में थोड़ा दूध शेष रह जाता है तो निकालने के लिए उपयोग किया जाता है, ऐसे आप सबको पता है। हाँ, ये चीज़ कन्फ्यूज कर सकती है, दूध निकालते समय गाय या भैंस के दाहिनी तरफ बैठना चाहिए बाईं तरफ, ये आपको अपने बड़े बुजुर्गों से जो पशुपालन करते हैं किसान उनसे पूछना है, और आपके दिमाग में क्वेश्चन रखना है कि गाय या भैंस, मतलब
वैसे नहीं है, लेकिन एक जनरल क्वेश्चन है कि किस तरफ बैठते हैं दूध निकालते समय, गाय के लेफ्ट साइड में बैठते हैं या राइट साइड में? तो ये क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ मैं इस क्रिया को, ठीक है? आगे चले अंगूठा इसको दबाकर, तो ये है अपने अंगूठा से धोने की विधि। इसके बाद है पूर्ण हस्त दोहन, पूर्ण हस्त विधि, ये तीसरे नंबर। इस विधि में हथेली हथेली मुट्ठी भरते हैं, चारों उंगलियों के बीच थन दबाकर दूध निकालते हैं। यानी कि अगर अपने को यहाँ पे इधर देखना, अंगूठे वालों को अगर अंगूठा दबा के निकालना है तो केवल गाय छोटे थन, यानी कि जो छोटे थन वाली पशु के दूध निकालने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है हाथों द्वारा, तो ये है अंगूठा विधि। इसको अंगूठा भी बोल सकते हैं आप, ठीक है ना? छोटे थन वाली जैसे गाय भेड़ बकरी में दूध निकालने के हाथ वाली कौन सी उपयुक्त विधि है, तो अंगूठा वाली विधि उपयुक्त है। इसके आगे चलते हैं पूर्णतः हस्त विधि दोहन। इस दोहन विधि, इस विधि में हथेली चारों ओर अंगुलियों के बीच में थन दबाकर, ये तो है अपनी अंगूठा और उस अंगुली के, ये वाली सॉरी ये नहीं थी, ये बता रहा था मैं, सॉरी। इसके लिए ये है जो अपन अंगूठे वाली विधि है वो ये है, मतलब ऐसे चिटकी की तरह पकड़ते हैं, जिसके थन छोटे होते हैं मतलब मुट्ठी में नहीं आते, वहां पर आप अंगूठे से दबाकर दूध निकाल सकते हैं। ये एक बकरियों में अधिकतम किया जाता है जिसके छोटे थन होते हैं। इसके बाद पूर्ण हस्त हाथों द्वारा पूर्ण हस्त विधि, ये है पूर्ण हस्त विधि। इस विधि में तेली चारों अंगुलियों के बीच थन दबाकर दूध निकाला जाता है। अन्य विधि की अपेक्षा दूध अधिक तेज से दुहा जाता है, इनकी जल्दी से अपन दूध निकाल सकते हैं। मध्यम बड़े थन वाले पशु के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यहाँ पे भी पूर्ण हस्त विधि किस तरह के जानवरों के लिए, तो ये मध्यम ये और बड़े पशुओं के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ये है पूर्ण हस्त विधि, ऐसे निकालते हैं, देख लियो। इस विधि में अंगूठा जो विधि है और उसमें दूध दोहते समय कष्ट होता है, किसको कष्ट होता है? अपना हाथ दर्द करता है अंगूठा दबाकर, तो अंगूठा वाली ये देख लो आप किसमें किया जाता है, अंगूठे दबाकर कर्तन में क्षति पहुंचती है, ये इसमें गांठ पड़ सकती है। अंगूठा विधि में अपन जो अंगूठा बीच में दबाते हैं, इसमें जानवर को गठाने होने की संभावना बढ़ जाती है यहाँ पे, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है अपने को किस विधि में क्या नुकसान हो सकते हैं। पूर्ण हस्त विधि, इस विधि को पशु किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता, तनों में गांठे पड़ने का भय नहीं रहता, यानी कि मुट्ठी भर होगी तो आराम से, तो आप उसमें अंगूठा अंदर नहीं डालोगे तो उसको किसी प्रकार का कष्ट भी नहीं होगा और तनों में किसी तरह की बीमारी उत्पन्न होने की संभावना नहीं होती। आगे चले मध्यकाल व जननांगों की प्रजनन विधियां प्रकृति एवं कृत्रिम। प्रजनन प्रबंधन पशु प्रबंधन का महत्वपूर्ण अंग है। सामान्यतः फार्म पशुओं की प्रजनन संबंधी निम्नलिखित शब्दावली, यौनारंभ क्या होता है, यौवन आरंभ क्या होता है? मादा जनन अंगों से जब अंडाशय यानी कि ओवरी पूर्णतः विकसित हो जाती है और उसमें अंडाणु बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, उसे मादा का यौवन आरंभ यानी कि वह बच्चे देने के लिए तैयार है। क्या है? यानी कि वो बच्चा पैदा करने में समर्थ है। इस अवस्था को क्या कहा जाता है, यौनारंभ, यानी कि जब अंडाशय कंप्लीट हो जाता है और उसमें अंडाणु बनने लग जाते हैं, तो उस अब ये सभी जानवरों की अवस्था अलग अलग है, किसी में 15 महीने बाद बकरी में या गायों में 24 माह, ऐसे अलग अलग है सभी की। इस अवस्था में मादा गर्भ धारण करने यानी कि वो प्रेग्नेंट होने को तैयार है, इसमें क्या है, गर्भधारण के योग्य, ये अवस्था भारतीय गायों में। अब यहाँ स्टार लगा लो, भारतीय गायों में यौन अवस्था की अवधि है 24 माह। भारतीय गायों में यौवनारंभ अवस्था कितने माह बाद आती है, तो 24 महीने के बाद में गाय बच्चा देने के काबिल यानी कि प्रेग्नेंट होने के काबिल बन जाती है। संकर गायों में 18 महीने, जबकि जो होलस्टीन फ्रिजियन या हाइब्रिड्स होती है, दो गायों का क्रॉस होता है तो उनमें, या मतलब हाइब्रिड जिसे कह सकते हैं अपन, संकर नस्ल है उसमें 18 माह में। भैंसों के अंदर यानी कि भैंस की अपन बात करेंगे तो 30 माह के बाद में,
अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इधर लिखेगा गाय देसी, इधर लिखेगा संकर गाय, और इनको मिलान कीजिए, इनको मिलान कीजिए उपयुक्त समय। इनकी पहले में लिख देगा 24वां, दूसरे में लिख देगा 18वां या 30वां। तो इनको क्रॉस मैच करवाना है, किस किस गाय का कितना होता है ओनारम, और बकरियों में 12वां। मैंने बताया हुआ है कि बकरियों के अंदर 12 महीने की अगर बकरी है तो वो बच्चे देने के लिए तैयार हो जाती है। भेड़ में 10वां, और अगर वहीं भेड़ की बात करें तो 10 महीने। मध्य चक्र, मध्य चक्र का मतलब क्या होता है? दो मध्य कालों के मध्य की शारीरिक क्रियात्मक घटनाओं को मध्य चक्र कहते हैं। होता क्या है? ये वह अवधि है जिसमें पशु गर्भधारण कर क्या करता है, मध्य चक्र गर्भधारण कर भ्रूण विकसित करने के लिए अपने शरीर में सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है। विभिन्न पशुओं में दिया गया है टेबल में, देखते हैं किसमें क्या रहता है। इसमें 16 पॉइंट एक टेबल में होता है, ये अभी आगे देखेंगे। मध्यकाल, मध्य चक्र और मध्यकाल में आप कन्फ्यूज नहीं होना है। क्या होता है? मध्यकाल अलग है, मध्य चक्र अलग है। ये वह अवधि है जिसमें मादा पशु नर के साथ संभोग की इच्छुक होती है। क्या होता है? जब आप गाय या भैंस को देखते हो तो उसे हीट पे आना भी बोल सकते, या अपनी राजस्थानी में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वर्ड यूज किया जाता है, तो वो याद आपको रखना है कि किस दिन इसको प्रेग्नेंट की आवश्यकता है या नर पशु के साथ संभोग करने की इच्छा जताती है, उसको ताव में आना भी बोल सकते हैं, गर्मी में आना या पाले में आना भी कहा जाता है। यहाँ से भी नोट डाउन कर लेना कि मादा पशु के नर के साथ संभोग की इच्छा जताने की सब को क्या कहते हैं? तो मध्य चक्र कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? मध्य काल कहते हैं। और अगर ये जैसे मध्य को ताऊ नमी या पाली तीनों वर्ड में से कोई आ जाए तो ये भी आपके राइट निकलेंगे। विभिन्न मध्य काल चक्र तालिका 10 में दिया गया है। पशु के मध्य काल को पहचानने के लिए प्रातः काल सायंकाल दोनों समय निरीक्षण करना चाहिए। झुंड में रहने वाले पशुओं के लिए नस बंदी किए सांड का उपयोग किया जा सकता है, जिसे टीजर बुल कहते हैं। टीजर बुल क्या होता है? इनकी जो अपना मतलब उसका उपयोग क्या बोलते हैं, अपन मीटिंग के लिए नहीं किया जा सकता, इनकी उसको अपन नसबंदी, इनकी वो जनन योग्य या उसका वीर्य नहीं लिया जा सकता, जिसे टीजर बुल कहते हैं। अन्यथा फार्म पर वाले पशुओं में निम्न लक्षणों के मध्यकाल पहचान की जा सकती है। आगे चलते हैं, क्या क्या इसके लक्षण हैं, ये टेबल आप उतार लो। मादा पशुओं में प्रजनन संबंधी जानकारियां, प्रथम बार प्रजनन की आयु भारतीय नस्लों की होती है 36 से 40 माह। इनकी गायों की प्रथम जनन की आयु है 36 से 40 माह के बाद वो जनन प्रजनन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। मध्य काल की अवधि होती है इसकी मध्य चक्र 21 दिन का। इसमें मध्य गाय का मध्य चक्र होता है 21 दिन, गाय का मध्य चक्र कितने एक दिन, और मध्य काल होता है 10 से 24 घंटे। इनकी एक गाय को प्रेग्नेंट की जो ताव में आना बोल सकते हो आप, उसे जो वो नर पार्टनर के साथ संभोग की इच्छा जताती है वो है उसका टाइम 10 से 24 घंटे तक। प्रजनन का उचित समय मध्यकाल के 8 घंटे के अंदर, यानी कि जब वो ऐसी क्रियाएं कर रही हैं, अधिक आवाज कर रही है, और तो उसको 8 घंटे के भीतर नर पशु के पास लेकर जाना चाहिए। और इसका गर्भकाल, यानी कि गाय कितने दिन अपने भ्रूण को पेट में रखती है उसके बाद बच्चा देती है, तो 281 दिन के बाद में वो बच्चा देती है। समझ में आ रहा है? गर्भकाल का मतलब है भ्रूण प्रेग्नेंट से और ब्याने का बीच का अंतर। यानी कि सपोज करो आज की डेट में प्रेग्नेंट हुई और जिस दिन बच्चा दे रही है वो टोटल दिन क्या कहलाएंगे आपके? गर्भकाल दिन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? गर्भकाल दिन। और ये गायों का कितना होता है? 281। अब ये इधर देगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, इधर देगा 281,
फिर इनको एक में दे देगा 281, दो में दे देगा 310, चार तीन में दे देगा 151, और इसमें दे देगा 147, और इधर देगा गाय, इधर देगा भैंस, इधर भेड़ या इधर बकरी, और इनको मैच कराओ। मैच करा के कौन सा उपयुक्त है या वर्ग सही है, तो आपको ये याद रखना है। सब याद रखने, एक से काम नहीं चलेगा इस बार इस टेबल में, मैं बता दूं आपको, क्योंकि पिछली बार एक एक पूछ लेते हैं, तो एक एक नहीं पूरा देखना है आपको। अब भैंस का आपको याद रखना है, इस बार इस तरह भी पूछ सकता है, इनको चारों को दे देगा, इन चारों को दे देगा, तो आपको मिलान आना चाहिए, इसका ये सही है और इसका ये सही है, ऐसे याद रखना है। तो गायों का होता है, गायों का 36 से 40 महीने बाद वो प्रजनन के लिए योग्य हो जाती है। वहीं भैंस की बात करें तो वो भी 36 से 42 माह के बाद तैयार हो जाती है। बकरी की बात करें तो 15 महीने के बाद वो प्रेग्नेंट, इनकी बच्चा देने के लिए वो के लिए तैयार है। वहीं भेड़ की बात करें तो ये 12 से 18 माह के बाद तैयार है। इनका 21 दिन होता है, इनका 21 दिन। गाय, भैंस, बकरी का तीनों का 21 दिन मध्य चक्र होता है, जबकि भेड़ का 16.5 दिन, यानी कि 16 दिन होता है। और मध्यकाल इनके दोनों के, भैंस का 12 से 36 घंटा होता है और बकरी का 1 से 2 दिन होता है, भेड़ का भी 1 से 1.5 दिन होता है। और इनमें 8 घंटे, ये सभी ये 18 घंटे दे रखे हैं भेड़ के अंदर, तो ये थोड़ा आप देख लेना। और भेड़ कितने दिनों बाद बच्चा देती है, तो 147 दिन के बाद में, इनकी सबसे कम दिनों की आवश्यकता होती है भेड़ को। ठीक है, चलें आगे। बकरी 151 में और भैंस 310 दिनों के बाद बच्चा देती है इनकी, उसका गर्भकाल इतना होता है। एक तरफ गर्भकाल लेगा लिख सकता है, दूसरी तरफ वो पशु लिख देगा, मिलान कीजिए। ठीक है, आगे चले। इनमें से नहीं आएगा आपको कोई क्वेश्चन, नहीं आएगा। यहाँ से भी नहीं आएगा शायद, यहाँ से भी नहीं आएगा। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए।